तो इस वीडियो में अलेक्जेंडर अलेखाइन की एक खतरनाक गेम देखेंगे। इस गेम में अलेक्जेंडर अलेखाइन अपने नाइट और क्वीन दोनों को सेक्रीफाइस करके जबरदस्त अटैक बनाते हैं। तो ये गेम 1916 में टर्नोपोल में खेली गई थी और खास बात ये है कि ये ब्लाइंड फोल्ड है। तो इस गेम में व्हाइट पीसीस के साथ अलेक्जेंडर अलेखाइन है और ब्लैक पीसीस के साथ फेल्ड। तो अलेक्जेंडर अलेखाइन ने शुरुआत की E4 से और ब्लैक ने रिप्लाई दिया E6 फ्रेंच डिफेंस, D4 D5 फ्रेंच डिफेंस नॉर्मल वेरिएशन, नाइट C3 नाइट F6 फ्रेंच डिफेंस क्लासिकल वेरिएशन, E takes D5 नाइट टेक्स D5। और यहाँ पर अलेक्जेंडर अलेखाइन को नाइट एक्सचेंजेस की ऑफर दी, लेकिन अलेक्जेंडर अलेखाइन ने नाइट E4 मूव करके इस ऑफर को डिक्लाइन किया। F5 नाइट G5 बिशप E7 और नाइट पर प्रेशर है तो नाइट को वापस मूव करना ही पड़ेगा। नाइट F3 लेकिन अभी इस नाइट को निकलने में दिक्कत होगी यहाँ पर अपने नेचुरल स्क्वायर पर। तो ब्लैक ने कंटिन्यू किया C6 करके, अलेखाइन ने पहले अपने नाइट को E5 पर रख दिया और अभी इस नाइट को कोई हला नहीं सकता क्योंकि ये पॉन अभी आगे पुश हो चुका है F फाइल का और ये D फाइल का पॉन एक्सचेंज हो चुका है। तो ये नाइट सेंटर में अभी फिक्स हो चुका है और ब्लैक ने पहले किंग साइड कैसलिंग किया, नाइट F3 B6 और ब्लैक अपने बिशप को B7 पर डेवलप करना चाहता है, बिशप D3 बिशप B7 और अलेखाइन ने भी किंग साइड कैसलिंग किया। तो आगे जाकर यहाँ पर ब्लैक कुछ प्रेशर बना सकता है, रूक E8 C4 और अभी नाइट पर प्रेशर है लेकिन नाइट यहाँ पर E3 और F4 पर नहीं आ पाएगा। तो ब्लैक ने पहले अपने नाइट को F6 पर वापस लिया, बिशप F4 नाइट D7 और नाइट एक्सचेंजेस की ऑफर है, लेकिन अलेखाइन ने पहले क्वीन E2 मूव किया, लेकिन ब्लैक ने पहले अपने नाइट को एक्सचेंज ना करवा के C5 करके इस बिशप के डायगोनल को ओपन किया और अभी बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन आ चुकी है। और अभी वीडियो पॉज करके सोचिए कि अलेक्जेंडर अलेखाइन ने क्या मूव किया होगा। तो अलेक्जेंडर अलेखाइन ने नाइट F7 मूव करके अपने नाइट को सेक्रीफाइस कर दिया और अभी आप देख सकते होंगे कि नाइट से क्वीन पर प्रेशर है, क्वीन के पास जाने के लिए सिर्फ एक ही स्क्वायर है C8 क्योंकि ये बाकी के दो स्क्वायर्स बिशप ने कवर कर रखे हैं। तो ब्लैक यहाँ से इस नाइट सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट ना करके अपनी क्वीन को मूव करता है तो क्वीन टेक्स E6 और अभी आप देख सकते होंगे कि नेक्स्ट मूव में क्या आ सकता है। ब्लैक यहाँ से क्वीन एक्सचेंजेस के लिए जाता है तो नेक्स्ट मूव में नाइट H6 चेक और डबल चेक है तो ब्लैक यहाँ पर अपनी क्वीन से इस क्वीन को कैप्चर नहीं कर पाएगा और ब्लैक यहाँ पर इस नाइट को भी कैप्चर नहीं कर पाएगा क्योंकि नाइट से भी चेक है तो डबल चेक है तो किंग को मूव होना ही पड़ेगा और किंग कहीं पर भी जाए F8 पर जाता है तो सीधा चेकमेट आ ही जाता। और ब्लैक अपने किंग को H8 पर मूव करता है तो क्वीन G8 चेक और ब्लैक अभी नाइट से कैप्चर करता है इस क्वीन को तो भी चेकमेट आ जाएगा नाइट F7 से क्योंकि किंग यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से फंसा हुआ है। और ब्लैक अपने रुक से कैप्चर करता है इस क्वीन को तो भी चेकमेट आ ही जाएगा, लेकिन ब्लैक ने पहले अपनी क्वीन को ना हटाकर इस नाइट सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट किया, किंग टेक्स नाइट। और अभी वापस वीडियो पॉज करके सोचिए कि अलेक्जेंडर अलेखाइन ने क्या मूव किया होगा। ये मूव बहुत ही खतरनाक है। तो आपने ढूंढ लिया है तो कमाल की बात है, चलो देखते हैं। तो अलेक्जेंडर अलेखाइन ने क्वीन टेक्स E6 चेक दिया और अभी आप देख सकते होंगे कि इस क्वीन पर कोई भी सपोर्ट नहीं है तो ये क्वीन सेक्रीफाइस है, लेकिन ब्लैक यहाँ से इस क्वीन सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये एक लालच है। और ब्लैक इस क्वीन सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट करता है तो नेक्स्ट मूव में नाइट G5 और सीधा चेकमेट ही आ जाता क्योंकि आप देख सकते होंगे कि ये D5 स्क्वायर पॉन से कवर है
और ये बाकी के दो स्क्वायर बिशप से कवर है और बचे हुए स्क्वायर नाइट से कवर है, तो सीधा चेकमेट ही आ जाता। लेकिन जाइएगा मत, ब्लैक ने सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट नहीं किया। और एक लाइन देखते हैं, ब्लैक अगर अपने किंग को वापस यहाँ पर F8 पर लाता है तो आप देख सकते होंगे कि नाइट G5 और चेकमेट की थ्रेट है। और ब्लैक इस चेकमेट की थ्रेट को प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकता है वो देखेंगे। तो ब्लैक यहाँ से अपने नाइट को E5 पर मूव करके इस चेकमेट को प्रिवेंट करने जाता है। तो पहले तो डी टेक्स नाइट और फिर ब्लैक अपने बिशप को सेक्रीफाइस करता है, तो सी टेक्स बिशप और वापस चेकमेट की थ्रेट होगी। तो क्वीन टेक्स D5 और अभी एक शानदार मूव आने वाला है, नाइट टेक्स H7 चेक और किंग यहाँ पर फंसा हुआ है। तो फोर्सफुली ब्लैक को इस नाइट को कैप्चर करना ही पड़ता और ब्लैक इस नाइट को कैप्चर करने जाता है, इस क्वीन पर से सपोर्ट हट जाता और क्वीन टेक्स क्वीन आ जाता, तो ब्लैक को रिजाइन करना ही पड़ता। और ब्लैक पहले ही अपने बिशप को मूव करता है तो भी सी टेक्स बिशप और नाइट को बाद में मूव करता है तो डी टेक्स नाइट और वापस वही सब थ्रेट्स होंगी और फोर्सफुली इस नाइट को कैप्चर करने के बाद क्वीन टेक्स क्वीन आ जाता और ब्लैक को फिर रिजाइन करना ही पड़ता। लेकिन अभी गेम बाकी है। तो इसी सब कैलकुलेशन के बाद ब्लैक ने पहले अपने किंग को वापस ना लेकर G6 पर मूव किया, क्योंकि G8 स्क्वायर तो क्वीन से कवर है। और अभी इस क्रिटिकल सिचुएशन में वीडियो पॉज करके सोचिए कि क्या मूव किया होगा। तो यहाँ पर आलेखाइन चाहे तो नाइट H4 चेक देकर चेकमेट कर सकते थे। उस केस में यहाँ पर किंग को फोर्सफुली H5 पर जाना ही पड़ता और फिर क्वीन टेक्स F5 चेक और फोर्सफुली नाइट सेक्रीफाइस को लेना ही पड़ेगा और G3 चेकमेट ही आ जाता। आप देख सकते होंगे कि किंग के पास जाने के लिए कोई स्क्वायर बचता ही नहीं। और यहाँ पर दूसरे तरीके से भी चेकमेट किया जा सकता है, बिशप टेक्स F5 चेक और किंग के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है और किंग H5 के बाद G4 चेक। और अभी भी आप देख सकते होंगे कि किंग के पास जाने के लिए कोई स्क्वायर है ही नहीं, तो फोर्सफुली नाइट टेक्स G4 करना ही पड़ता और बिशप टेक्स नाइट चेक और ये लाइन क्वीन से कवर है और ये स्क्वायर बिशप और नाइट से कवर है और H4 स्क्वायर नाइट से कवर है, तो बिशप टेक्स G4 चेकमेट ही है। लेकिन अभी जाइएगा मत, लेकिन आलेखाइन ने कुछ और तरीके से चेकमेट किया। लेकिन आलेखाइन ने पहले G4 मूव करके यहाँ पर चेकमेट की थ्रेट दी थी और किंग के पास जाने के लिए कोई स्क्वायर है ही नहीं, आप देख सकते होंगे। तो ब्लैक यहाँ से H6 मूव भी नहीं कर सकता क्योंकि बिशप टेक्स F5 चेकमेट ही आ जाता क्योंकि सभी स्क्वायर्स कवर है और ये F6 वाला नाइट पिन है, तो ये नाइट इस पॉन को कैप्चर नहीं कर पाएगा और साथ में ये F5 वाला पॉन भी पिन है बिशप की वजह से। तो ब्लैक ने यहाँ पर बिशप से आने वाले चेकमेट को प्रिवेंट करने के लिए अपने बिशप को E4 पर मूव किया और इस बिशप की लाइन को कट कर दिया। लेकिन अभी बहुत देर हो चुकी है, आप देख सकते होंगे कि ब्लैक का किंग यहाँ पर फंसा हुआ है। तो फाइनल मूव फ्रॉम अलेक्जेंडर आलेखाइन, नाइट H4 और चेकमेट। आप देख सकते होंगे कि क्या जबरदस्त चेकमेट है, कोई स्क्वायर है ही नहीं किंग के पास जाने के लिए। तो गेम अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए और ऐसी ही गेम्स देखते रहने के लिए चैनल पर बने रहिए।